मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ कि बिहार से दरिंदगी का एक नया मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में लड़की और एक अधेड़ व्यक्ति को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का मामला सामने आया है, जहां लोगों ने एक लोक गायक को लड़की के साथ घर में आपत्तिजनक हाथ में रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या, ग्रामीण दोनों को बंद कमरे में दोनों को नग्न अवस्था में कर उनकी जमकर पिटाई की और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार लोक गायक किशन देव चौरसिया का पड़ोस की रहने वाली की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला था। लड़की हारमोनियम सीखने के बहाने किशन देव चौरसिया के घर आती जाती थी। 20 जुलाई की रात भी लड़की घर से हारमोनियम सीखने की बात कहकर किशन देव चौरसिया के घर पहुंची। इसके बाद ग्रामीण किशन देव चौरसिया के घर में घुसे तो दोनों को आपत्तिजनक हाल में पाया। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पहले तो उन दोनों को कपड़े फाड़ डाले और फिर उनकी जमकर पिटाई की। वहीं कुछ ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं, कुछ लोग उन्हें पीट भी रहे हैं और कुछ लोग तो वीडियो बना रहे हैं। लड़की कपड़े से खुद को ढकने की काफ़ी कोशिश कर रही है। आरोप है कि लोक गायक हारमोनियम सिखाने के बहाने बहला फुसला कर लड़की के साथ गलत कार्य करता था। आपको बता दें कि घटना बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ पुरुष किशन देव चौरसिया, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है, वही लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है, जो अभी नाबालिग है। बताया जा रहा है कि अधेड़ पुरुष किशन देव चौरसिया जो है गांव में कीर्तन गाने का काम करता था। वही इस मामले में बेगूसराय के एसपी ने जाँच करने का आदेश दिया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि मणिपुर के बाद बिहार के बेगूसराय से भी एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां दलित नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र कर उसके ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। इस दौरान पीड़िता गुहार लगाती रही, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक ना सुनी। इस घटना का वीडियो सामने आया तो बवाल मच गया। वायरल वीडियो में दिखने वाले चार लोगों के खिलाफ लड़की के बयान के आधार पर केस भी दर्ज कराया गया है। वह लड़की के साथ रेप करने वाले सिंगर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी किशन देव चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चार लोग को नामजद आरोपी बनाया गया है। लड़की के बयान के आधार पर रेप, पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी मारपीट और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। तेघड़ा डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल तेघड़ा थाना क्षेत्र के पकटोला गाँव से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी सिंगर और एक नाबालिग लड़की को लोगों ने आपत्तिजनक हाथ में पकड़ लिया था। वहां दोनों की बहरहमी से पिटाई भी की गई थी। इस दौरान लड़की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों ने उसके साथ अभद्रता कर कपड़े फाड़ दिए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसपी ने बताया कि महिला थाना अध्यक्ष ने पीड़िता का बयान रिकॉर्ड किया है। पीड़िता ने बताया कि लोक गायक किशन देव चौरसिया ने उसे घर में किसी बहाने बुलाया था और वहाँ उसके साथ रेप किया। इस दौरान गांव के तीन अन्य लोग वहां पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़कर उनका वीडियो बनाया। मारपीट में शामिल लोग की पहचान कर ली गई है। इसमें राम जतन पासवान, रविंद्र ठाकुर और दिलीप पंडित शामिल हैं। लड़की का मेडिकल कराया गया, वहीं पुलिस घटना स्थल से साक्ष्य जुटा ली है। जो वीडियो वायरल हुआ था टेंगड़ा थाना अंतर्गत एक गांव का था, इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, वीडियो में दिख रहा है किशन कुमार चौरसिया, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसे पूछताछ की गई, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। कल इसको जेल भेजा जाएगा और जो पीड़िता है उसका महिला थानाध्यक्ष के द्वारा स्वयं बयान उसका लिया गया है
और पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर इसमें चार लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में पॉक्सो की धाराएं, SC/ST एक्ट की धाराएं, रेप की धाराएं और अन्य सुसंगत धाराएं इसमें शामिल हैं। चूंकि महिला से जुड़ा हुआ केस है, पॉक्सो से जुड़ा हुआ केस है, तो इसमें महिला थाना अध्यक्ष ही इस केस की आयोग बनाई गई है और इसमें हम लोग ने IT एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हुई हैं। और इसमें जो चार नामजद अभियुक्त हैं उसमें से जो मेन पहला नामजद अभियुक्त है किशन कुमार चौरसिया, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, उसको जेल भेजा जा रहा है। और जो बाकी के तीन अन्य अभियुक्त हैं जो मारपीट करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं, उनकी भी पहचान हो गई है, वो भी उसी गांव के हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन कर दिया है। टीम लगातार छापेमारी कर रही और जो पीड़िता है उसका मेडिकल अभी कराया जा रहा है सदर अस्पताल में, और कल पीड़िता का माननीय न्यायालय में 164 भी कराया जाएगा। तो हम अनुसंधान अपना और सभी जो भी इसमें शामिल है सभी को हम लोग कड़ी से सजा दिलाएंगे और पीड़िता को मुआवजा मिल जाए उसके लिए भी हम लोग कल माननीय न्यायालय को आवेदन इसमें देंगे। इसमें एक का नाम किशन कुमार चौरसिया है, दूसरे का नाम रामजतन पासवान है, तीसरे का नाम रविंदर ठाकुर है और चौथे का नाम दिलीप पोद्दार है। चारों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज है। ये समता उसी जो गांव है वहीं के हैं सब लोग। ये पीड़िता का जो फर्द बयान महिला थाना अध्यक्ष ने स्वयं दिया है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और पीड़िता ने बयान में जो बातें बताई हैं उसी के आधार पर ये FIR ड्रॉ की गई है और उसी के आधार पर इन सभी लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया। और जो वीडियो हम लोग को मिला है उसमें भी जो जांच की गई है लोकल लोगों से, चौकीदार से पता कराया गया, तो उससे भी ये सभी लोगों की पहचान इसमें। देखिए ये जांच का विषय है, सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसे मामलों में जो पीड़िता का फर्द बयान होता है, जो उसका स्टेटमेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। अभी चूंकि अनुसंधान इसमें शुरू हुआ है तो लड़की ने जो बोला है, पीड़िता ने जो बोला है, अभी उसको हम लोग प्रथम दृष्टया सही मानते हुए अपनी जाँच कर रहे हैं। बाकी इसमें सभी चारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। लड़की के जो कपड़े हैं और घटनास्थल से भी हम लोग को जो मिला है उसको भी हम लोग जांच के लिए FSL भी भेज रहे हैं। तो बहुत जल्दी इसमें हम लोग अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करेंगे और उसमें सब। लेकिन पीड़िता ने इसमें ये बताया है कि ये व्यक्ति है ये इसको किसी बहाने से बुला के ले गया था अपने घर पर और वहाँ जाके इसने उसके साथ गलत काम किया और गाँव के लोग भी उसमें आ गए और उन लोगों ने मारपीट की है और इन्हीं के आधार पर FIR